हेलो फ्रेंड्स, वाइट यानी आर्ट कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज आपको मैं बताऊंगी कि पाउचे की मोहरी का लेटेस्ट डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है और बहुत इजी तरीका है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये दोनों साइड से यहाँ तक इतना कम्प्लीट कर लिया है। इसके बाद ये देखिए, ये जो हमारा बीच में गैप है ये 1.5 इंच का है। 1.5 इंच का हम हाफ़ करेंगे, 1.25 इंच आएगा। ठीक है, तो 1.25 इंच के ऊपर हम इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। सीधी सिलाई लगाने के बाद अब हम इंची टेप से यहाँ जो बीच वाली हमारी सिलाई थी इसके ऊपर हम 1.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये मैंने इसके ऊपर निशान लगा दिए हैं। निशान लगाने के बाद अब ये देखिए, अब हम यहाँ से अपनी सिलाई को शुरू करेंगे और हल्का हल्का ऊपर की तरफ गोलाई देते हुए यहाँ तक हम इसको घुमा के लेके आएंगे। ठीक है, राउंड शेप में। तो देखिए, ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ किस तरह से। देखिए देखिए, इस तरह से यहाँ तक लाने के बाद अब हम इसको लाइन के ऊपर से लेंगे या इस अगले निशान तक। ठीक है, ये देखिए, ये हमने सिलाई इस तरह से लगानी है। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम फिर वहीं से शुरू करेंगे इसको और इस साइड ऊपर की तरफ से हम घुमा के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। मैं अपने पूरे पाउचे पर ये वाली सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए, ये हमने दोनों सिलाई लगा ली हैं। दोनों सिलाई लगाने के बाद अब इसके बाद जो हमारी ऊपर वाली सिलाई है यहाँ से हम इस तरह से गोलाई में राउंड शेप देते हुए यहाँ तक इस तरह से ये बनाएंगे हम। ठीक है, ये मैं आपको एक बार बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको यहाँ तक थोड़ा ही घुमाना। मैं फिर यहीं से अपनी सिलाई को वापस ऊपर की तरफ लेके आना है। ये देखिए, यहाँ हमें बिल्कुल यहाँ इस लाइन के ऊपर टच नहीं करना है, इसे थोड़ा ऊपर ही रखना है। ये देखिए, हमें ये वाली सिलाई इस तरह से लगानी है। ठीक है, अब इसी तरह हम जो ऊपर की साइड जो हमारे बीच में जगह बची हुई है यहाँ पर हम इस तरह से अपनी सिलाई को लगाएंगे लहरी में। देखिए इस तरह से। अब हम दूसरी साइड ऊपर की तरफ भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे जैसे हमने यहाँ ऊपर की तरफ लगाई थी। ये मैंने इस सिलाई को भी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए, ये देखिए, ये हमने ऊपर की तरफ भी कंप्लीट कर लिया है इसी तरह से। तो ये हमारी पाउचे के मोहरी का डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप लोगों के मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।